अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मैक्सिकन चिकन स्टेक की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे। बाहर जाके खाने से बेहतर है कि हम अपने घर वालों को घर में थोड़ी सी मेहनत से बिल्कुल एक रेस्टोरेंट वाला माहौल क्रिएट करके उनके लिए वैसे ही एक इस रेसिपी को तैयार करते हैं। मैक्सिकन चिकन स्टेक्स बनाने के लिए मैंने 2 ब्रश पीस ले लिए हैं। इनको मैंने हैमर की मदद से हैमर किया है। अब मैं इसे मैरिनेट करूंगी पानी। चिकन पीसेस को सबसे पहले मैं पानी में मैरिनेट करूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके लिए मैंने 1/2 कप पानी ले लिया है। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करेंगे बल्कि बेकिंग सोडा है। ये 1/2 टीस्पून है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून नमक के हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए इन चिकन पीसेस को डिप कर दूंगी। अब हम स्टेक को तैयार करने के लिए मैंने जो चिकन पीसेस ये मैंने पानी में डिप किए हुए थे उन्हें मैंने निकाल लिया है। अब मैं इनमें मैरिनेट करने के लिए एक पेस्ट तैयार करूंगी। ये है 1 टीस्पून ज़ीरा जिसे मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसे क्रश किया है। 1 टीस्पून नमक है, 4 से 5 अदद जवे लहसुन के हैं, इसी तरह 7-8 मिर्चें हैं और मैं यूज़ करूंगी ये ऑयल 1/4 कप, लेमन जूस 1/4 कप। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के एक पेस्ट तैयार करते हैं और अपनी स्टेक की मैरिनेशन रेडी करते हैं। तमाम चीज़ों को ब्लेंड मैंने कर दिया है, पेस्ट रेडी हो गई। अब हम इसे चिकन पे लगा देंगे। इसको मैं ऊपर नीचे से अच्छी तरह इसे लगाऊंगी और हम तकरीबन 2 घंटे तक इसे मैरिनेट करेंगे। इसको मैं लगा के रख दूंगी साइड से भी। इसको हम 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेक्स हमारे देखें मैरिनेट हो चुके हैं, इन्हें 2 घंटे हो चुके हैं। इन्हें रेडी करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रिल पैन। आप उसकी जगह अगर नहीं है सिंपल वाला कोई भी नॉन स्टिक पैन या कोई आप तवा जो उसको यूज़ कर ले। मैं उसको पैन को गर्म होने के लिए रख दिया। उतनी देर हम इसके लिए सॉस तैयार करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने 1/2 बॉईल कर लिया है, इन्हें मैं बाद में रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं सॉस इसके लिए रेडी कर रही हूँ जितनी देर मेरा पैन रेडी हो रहा है। ये मैंने 1.5 कप पानी ले लिया है। इसमें मैं यूज़ करूँगी 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। ये है 1 टीस्पून काली मिर्चें। केचप के 2 टेबलस्पून हम यूज करेंगे। ये है चिली गार्लिक सॉस, इसके भी 2 टेबलस्पून है। मैं थोड़ी सॉस ज्यादा रेडी कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको चाहे 1/2 कर ले। सोया सॉस के मैं 2 टेबलस्पून यूज करूंगी। तो मिक्स कर लेती हूँ। सोया सॉस के भी मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। सिरका भी हम 2 टेबलस्पून यूज करेंगे। इस
सॉस में मैं कुछ ये मशरूम यूज़ करूँगी, तकरीबन ये मेरे हैं 1 कप। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम अपनी सॉस का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है, ये तकरीबन है 1 टीस्पून। चलें हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सॉस को रेडी करने से पहले मेरा पैन गरम हो चुका है, मैंने बिल्कुल इसका फ्लेम स्लो किया हुआ है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लगाया है। तमाम पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें अपने स्टेक्स रखूंगी। हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी साइड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करने से पहले आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अभी इसे मैं लो फ्लेम पे 7 मिनट तक इसे कुक होने दूंगी। स्टेक्स हमारे रेडी हो रहे हैं, मैंने इन्हें दूसरी तरफ रखा हुआ है। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक की जो पेस्ट ली है 1 टीस्पून, उसको हल्का सा हम 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करेंगे। एक से दो सेकंड तक अब मैं इसमें ये मैंने स्लाइसेस से किए हुए मशरूम के उसको ऐड करेंगे। सिर्फ 2-3 सेकंड मैं इन्हें भी फ्राई करूंगी। उसके बाद जो मैंने एक पेस्ट की तैयार की है सॉस की, उसको हम ऐड कर देंगे। इनको मैंने 1 से 2 सेकंड तक फ्राई किया है। अब जो हमने ये पेस्ट तैयार की थी वो इसमें ऐड कर दूंगी। मुसलसल में चम्मच चलाती रहूंगी। अब मैं सॉस में नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी हमारे नमक है। ये पकना शुरू हो गई, इसको बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैं इसमें ओरिगैनो के ऐड करूंगी। ये पकना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ स्टेक्स भी हो मेरी एक साइड तकरीबन उसकी हो चुकी है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखें जी, सॉस तकरीबन रेडी है। इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तकरीबन 1 से 2 सेकंड और कुक करती हूँ, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। फिर हम अपनी वेजिटेबल्स रेडी करेंगे। सॉस भी देखे रेडी हो गई है, इसको भी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब हम अपनी वेजिटेबल तैयार करेंगे, इतनी ही हमें थिक चाहिए। स्टेक्स भी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे और इसे मैं डिश में से निकाल रेडी है।
अब हम वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर है। ये हाफ बॉईल की हुई वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे कि वेजिटेबल्स में भी हमारा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। सब चीज़ों में नमक है, उसी मुनासिबत से मैं सिर्फ अभी इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी ये डालूँ चिली सॉस के, तकरीबन 2 टेबलस्पून। वेजिटेबल्स में मैंने नमक, चिली सॉस और ये स्वीट चिली सॉस के भी मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। वेजिटेबल हमारी ऑलरेडी कुक है, बहुत ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करना। हाफ बॉइल मैंने इन्हें किया हुआ था पहले से, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स में भी हमारा एक अच्छा सा टेस्ट आ गया है। थोड़ी सी मैं हर्ब इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स हर्ब तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद इसका टेस्ट तो आप इसका ना ऐड करें। मैं बस अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। व्यूअर्स, हमारे मैक्सिकन चिकन स्टेक्स रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।